मेरी दो बेटियां हैं, जबकि मेरे मेरा जो हस्बैंड है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एक भी पैसा नहीं है हमारे पास। हम इतने तंग आ चुके हैं कि हम यहाँ सोच रहे हैं कि हम खुदकुशी करेंगे, एक भी पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हम 15 के बाद के लोग हैं जिनको डायरेक्टिव्स निकली है कि इनको पे रोक दिया जाए, लेकिन हमें बाहर ही निकाला गया था। और नोडल प्रिंसिपल ने पिछली दफ़ा जब आपसे भी हमने बात करी थी कि कहा था कि आप कॉलेजेस में रूटीन काम कर लीजिए, आपकी हाजिरी भी हो जाएगी और आप आपको तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन ये ओरल था। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि मेहरबानी करके ये रिटर्न में दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ रहे हैं अभी ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपके साथ महेश लती। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि आए दिन प्रेस कॉलोनी में यहाँ पर प्रोटेस्टर्स होता है, आज भी यहाँ पर एक और प्रोटेस्ट हुआ जो कि लोकल फंड हायर एजुकेशन एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर किया। आइए सीधा हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी प्रोटेस्ट करने की क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है, मैं कुकरना काली से लोकल फंड पर काम कर रही हूँ। 6 महीनों से हमारी सैलरी बंद है, जबकि जम्मू को सैलरी मिल रही है, हमारी सैलरी ईद के दिन भी नहीं मिली है। हमारे साथ इंसाफ करो, डायरेक्टर मैडम भी अंदर आने ही नहीं दे रही है, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है। हमारे बच्चे हैं, हम अपील करते हैं एलजी साहब से जो हमारी सैलरी जल्द से जल्द दिला दीजिए। सर, आपने कहा कि आपकी सैलरी बहुत टाइम से बंद है, तो आपका घर कैसे चल रहा है? जी, बहुत मुश्किलों से चल रहा है। मेरी दो बेटियां हैं, जबकि मेरा जो हस्बैंड है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एक भी पैसा नहीं है हमारे पास। हम इतने तंग आ चुके हैं कि हम यहाँ सोच रहे हैं कि हम खुदकुशी करेंगे, एक भी पैसा नहीं है हमारे पास। इंसाफ करो हमारे साथ, हम एलजी साहब से अपील कर रहे हैं, हमारे बच्चों से, हमारे मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत बीमार है, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो हमारे साथ। अब आपकी लास्ट में क्या अपील रहेगी इंतजार? हम लास्ट अपील ये है कि हमारे सैलरी दिला दीजिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारे साथ कुछ औरतें भी ऐसी हैं जो विधवा है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और मेरा जो हस्बैंड है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बड़ी मुश्किलों से चल रहा है, दो बच्चों का खर्चा, जबकि फीस भी नहीं है मेरे पास। हमारे साथ इंसाफ करो, हम एलजी साहब से अपील कर रहे हैं, हमारे साथ अपील कर, इंसाफ कीजिए। मेरा नाम इम्तियाज अली है और मैं नवाकदर कॉलेज में एज टीचर काम कर रहा हूँ। तो हम लोकल फंड एम्प्लॉइज है, 2015 के बाद के जो लगे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कई बार आपके सामने भी ये पेश किया है, तो आज फिर से दोहराता हूँ कि हम 15 के बाद के लोग हैं जिनको डायरेक्टिव्स निकली है कि इनको पे रोक दिया जाए, लेकिन हमें बाहर ही निकाला गया था। और नोडल प्रिंसिपल ने पिछली दफ़ा जब आपसे भी हमने बात करी थी कि कहा था कि आप कॉलेजेस में रूटीन काम कर लीजिए, आपकी हाजिरी भी हो जाएगी और अब आपको तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन ये ओरल था। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि मेहरबानी करके ये रिटर्न में दे दीजिए, ताकि प्रिंसिपल के पास हम जाएंगे या प्रिंसिपल के पास आपका रिटर्न आएगा तो हमें वो भी बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने लिखित नहीं दिया है। तब से लेके आज तक हम रोज़ डायरेक्टर साहिबा के पास या नोडल प्रिंसिपल के पास जाते हैं, तो नोडल प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहिबा हमें यही कहते हैं कि आपका मसला तो कुछ भी नहीं है, आप तो अंदर हो और आपके लिए ये प्रिंसिपल नहीं मानते हैं। वो प्रिंसिपल को कह रहे हैं, प्रिंसिपल हमें ये कह रहे हैं कि हमें लिखित होना चाहिए। लिहाजा हम डायरेक्टर साहिबा को भी और रोहित कंसल जी को भी ये इल्तिमास कर रहे हैं कि वो लिखित में दो वर्ड इनको दे दें, और साथ ही मैं एलजी साहब से ये इल्तिमास करें कि आपने पहल तो की है, आपने ग्रीवेंसेस का तो ले लिया है, लेकिन प्लीज़ आप इसमें इंटरवीन करके हमारे इस मसले को हल कर दीजिए, वो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ, हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाय हाय। क्या 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाय हाय, हाय हाय।
हायर एजुकेशन नामाबाजी नहीं चलेगी, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। अभी आपने देखा, हमने इनसे बात की जो कि लोकल फाइन हायर एजुकेशन एम्प्लॉयज थे। अभी इनकी ये अपील है इंतजामिया से कि इनकी जो सैलरी है जो कि बंद रखी गई है 6 महीनों से, वो बहाल की जाए, क्योंकि अभी इनकी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये जो अपनी फैमिलीज है बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। अभी इनकी इंतजामिया से यही अपील है, इनकी जो 6 महीने की सैलरी है वो जल्द से जल्द बहाल की जाए, ताकि इनके घर पर भी जो मुश्किल है वो ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी हम आप तक ऐसे रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे ग्लोबल कश्मीर। अल्लाह हाफ़िज़।